बात राजनीति की। बिहार में अब चौथा मोर्चा तैयार हो रहा है। समाजवादी पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। पहले महागठबंधन का हिस्सा ना बनकर झटका दिया और अब थर्ड फ्रंट बनाकर समाजवादी पार्टी ने नीतीश लालू को ठेंगा दिखा दिया है। बिहार में समाजवादी पार्टी ने थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है। चुनाव बेशक ही बिहार की धरती पर लड़ी जाएगी, लेकिन थर्ड फ्रंट का ऐलान लखनऊ से किया गया। हमारी कोशिश है कि हमारा ये गठबंधन मोर्चा एक प्रभावी ढंग से वहाँ चुनाव लड़े और एक अल्टरनेट के रूप में वहाँ सामने आए। थर्ड फ्रंट के इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक शामिल है। वैसे इन पार्टियों का बिहार में ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में महागठबंधन और एनडीए के लिए सिरदर्द पैदा कर सकती है। पूर्वी यूपी से सटे बिहार के इलाके में समाजवादी पार्टी असर डाल सकती है, तो वहीं सीमांचल में एनसीपी एनडीए और महागठबंधन का गणित बिगाड़ सकती है। मिथिलांचल में एनडीए और महागठबंधन भले ही दबदबे का दम भर रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरे मोर्चे को पीए संगमा की पार्टी भी ताकत देने का काम करेगी। अभी तक लालू नीतीश के महागठबंधन और बीजेपी के साथ चार पार्टियों वाली एनडीए ही बिहार में ताल ठोक रही थी, लेकिन एक और मोर्चे की धमक ने बिहार के चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। उधर लेफ्ट दल भी ताल ठोक रहे हैं। सुजीत कुमार झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।